IVF में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई है. 1978 में पहला जो टेक्नोलॉजी था वो IVF का था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी. यहाँ हम लड़की के अंडे लेते हैं और पुरुष के शुक्राणु लेते हैं और डिश में उनको फलित होने के लिए रखते हैं. जो शुक्राणु है वो खुद के खुद अंडे को फलित करता है और फिर वो तैयार बच्चा जो है या एम्ब्रियो जो है हम उसी लड़की के थैली में छोड़ देते हैं. लेकिन उसके ये टेक्नोलॉजी की वजह से मेल इनफर्टिलिटी पे कुछ असर नहीं पड़ा. जब किसी पुरुष में प्रॉब्लम था तो उसे डोनर ही सैंपल यूज़ करना था. तो ये जो टेक्निक है ICSI, 1992 में पहला बच्चा पैदा हुआ जहाँ पे एक मशीन का यूज़ किया गया, उसे माइक्रो मैनिपुलेटर कहते हैं. उस मशीन में हम एक अंडा या एक स्त्री बीज लेते हैं और एक शुक्राणु उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है. मतलब जो ट्यूब या गर्भनलिका में होता है एक खादी लेडी के, तो वो हम लेबोरेटरी में ये मशीन का हेल्प लेके हम करते हैं. सो इसे ICSI कहते हैं. IVF ICSI आज उसका सक्सेस रेट अबाउट 40-50% है. 25 साल पहले जब मैंने चालू किया था तो 15-20% वो सक्सेस रेट है, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि 40-50-60% प्रेगनेंसी रेट्स है. उसके कारण अनेक हैं. काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है. सादी सादी सिंपल चीज़ें बताने की तो ICSI एक टेक्नोलॉजी है. ICSI में हम क्या करते हैं, शुक्राणु को 7200 टाइम इनलार्ज करते हैं और वो जब इनलार्ज होता है तो उसके डिफेक्ट्स जो है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स है वो हम पिकअप कर लेते हैं. सो ये एक बेहतरीन स्पर्म सिलेक्ट करने का प्रोसेस है और जिनको फेलियर हुए हैं ICSI के इस टेक्नोलॉजी से उनको डेफिनेटली फ़ायदा होता है. फिर दूसरी टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियोस्कोप की. मतलब ये एक इंक्यूबेटर होता है जो हर 15 मिनट फोटो लेता है, तो जो स्त्री बीज ग्रो होता हुआ हम उसे पकड़ सकते हैं. मतलब जब ये अंडा होता है और बच्चा तैयार होता है उसके जो स्टेप्स होते हैं, हर 15 मिनट फोटो लेके हमें पता चलता है कि ये ग्रोथ पैटर्न कैसी है, ये एम्ब्रियो अच्छा है कि बुरा है, नॉर्मल है कि नहीं. तो थोड़े बहुत से चीज़ें पता चलते हैं और इससे भी प्रेगनेंसी रेट, स्पेशली दोज केसेस जिनमें पहले फेल हो चुका है IVF या ICSI, इससे फ़ायदा डेफिनेटली होता है. 2007 में हमने एक टेक्नोलॉजी भारत में लेके आए जिसे हम बोलते हैं विट्रिफिकेशन या फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी. 2007 के पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बट उसमें फेलियर रेट बहुत बुरा था. मतलब अगर मैं 5 अंडे फ्रीज करके रखूँ वो टेक्नोलॉजी से, वो स्लो फ्रीजिंग, तो मेरे को सिर्फ 1 या 2 अंडा वापस जीवित मिलता. लेकिन ये विट्रिफिकेशन जो टेक्निक है, हम 10 अंडे फ्रीज किए तो 9 या 10 अंडे हमें वापस मिलते हैं. उसके वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है. क्योंकि अभी मेरे पास एक पेशेंट आती है, उसके 10 या 12 एम्ब्रियोस तैयार होते हैं तो हम 2 या 3 उसमें डालते हैं, बाकी के 8 मैं फ्रीज करके रख सकती हूँ विट्रिफिकेशन से, तो वो 8 में मेरे 2 या 3 अटेम्प्ट्स हो सकते हैं. सो ये फ़ायदा विट्रिफिकेशन या फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से हुआ है और डेफिनेटली प्रेगनेंसी रेट इससे बहुत बड़ा है. इनफैक्ट गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट्स में प्रेगनेंसी रेट 70-90% इन 4 अटेम्प्ट्स बोलते हैं. मतलब 4 बार अगर आप कोशिश करो और आपकी एज अच्छी हो, आपके अंडे अच्छे हो, स्पर्म्स में माइल्ड इफेक्ट हो, तो आपका सक्सेस रेट बहुत ही हाई हो सकता है. फिर और एक टेक्नोलॉजी जो आई जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र, मतलब डबल ट्रांसफ़र. उसमें भी हमें काफ़ी पेशेंट्स में फ़ायदा हुआ है. ऑफकोर्स बाकी की दवाइयों में चेंज आया है, जो हम बच्चा छोड़ने के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद जो दवाई देती है वो भी अलग अलग की दवाई देती है, डिपेंडिंग पेशेंट को क्या ज़रूरत है. और ये सब चीज़ें एक साथ मिलके जो हम यूज़ करते हैं और उसकी वजह से ये सक्सेस रेट 40-50 और 60% तक पहुँच गया है.